अलैकम एंड यूर थिंकिंग प्रेजेंटेशंस today. अब uh, लिखने से पहले या एक प्रेजेंटेशन बनाने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम उसको सोच लें अच्छी तरह सोच लें uh, बहुत नए नए फॉर्म्स आ गए हैं सोचने के एक माइंड मैप्स भी होते हैं आप क्रिएट uh, कर सकते हैं दीज बबल्स कुछ लोग uh, लिख के करते हैं कुछ स्ट्रक्चर्ड करते हैं कुछ फ्लो चार्ट के ज़रिए करते हैं तो वो यू हैव टू बी केयरफुल कि आप मतलब चूज़ योर स्टाइल सी विच वन यू वॉन्ट टू डू बट यू हैव टू थिंक द प्रजेंटेशन बिफोर यू मेक द प्रजेंटेशन तो आप थिंकिंग प्रजेंटेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं थिंकिंग में सबसे पहले तो आपने अपनी कहानी को फ्रेम करना है आपने बताना है कि भाई मेरी कहानी है क्या और मैं करना क्या चाह रही हूँ कहना क्या चाह रही हूँ अगर हम कहते हैं कि जी प्रजेंटेशन मेरी है कि कराची में सड़कें साफ़ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए ये हमारी प्रजेंटेशन है तो हमारी कहानी क्या होनी चाहिए सबसे पहले कि जी कराची को साफ़ होने की ज़रूरत है कितना गंदा है कराची इसके साफ़ होने से फ़ायदे क्या होंगे और फिर हम ये बताएंगे कि जी साफ़ करने के लिए साफ़ रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए तो हमें इसके बाद जब हमारी कहानी तैयार हो जाती तो हमें ये देखना है कि हम अपनी डिलीवरी को प्लान कैसे करते हैं यानी कि हम डिलीवरी करना कैसे चाहते हैं हम बोलेंगे कैसे हमारी जो प्रेजेंटेशन uh, है वो कहाँ कहाँ रखी होगी कैसे होगा कितना हम बोलेंगे कितना लिखा होगा ये सारी चीज़ें जो हैं हमें प्लान कर लेनी चाहिए पहले से कि जी प्रेजेंटेशन को हम डिलीवर कैसे करेंगे कौन से विजुअल एड्स हैं कौन से रिटर्न एड्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करेंगे इसके बाद आ जाता है जी स्टेज प्रेजेंस यानी कि आप स्टेज पे कैसे खड़े हैं आपकी स्टेज की पर्सनालिटी क्या है आपका पर्सोना क्या है इसी तरह जो आपके विजुअल एड्स हैं वो किधर रखे हुए हैं और आप उनको कितने आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं फिर इस सब को ये जो आपकी सोच है जो आपकी प्लानिंग है इसको इकट्ठा करना है कि सारे स्टेप्स जो है उनको जब हम इकट्ठा करते हैं तो हमें लिखना भी शुरू करते हैं हमारे पास प्लान भी है हम किस से बात कर रहे हैं क्या बात कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं पर्पस व्हाट इज़ द पर्पस व्हाट आर द मेन पॉइंट्स दिस इज़ व्हेन वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अ प्रेजेंटेशन वी नीड टू नो कि क्या पर्पस है हमारी इस प्रेजेंटेशन को देने का ऑडियंस क्या है हम ऑडियंस किस किस्म की होगी कितना एक नॉलेज उनके पास पहले से है हम हम जो बात कर रहे हैं उसके बारे में कितनी एक असेसमेंट है उनकी किस स्टांस पे खड़े हुए हैं कि वो क्या मेरी बात से अग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे किस तरह का ऑडियंस होगा मेरा तो ये भी असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है आप अपनी प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं एकदम से कि जी ऑडियंस जो है उसकी अटेंशन आपके पास आ जाए और उसको आप बड़े पावरफुल तरीके से शुरू करते हैं आपकी वही बात जो हम रिटर्न में कहते रहते हैं वही प्रेजेंटेशन में भी है कि जी हेडलाइंस आर इम्पॉर्टेंट तो हेडलाइन जो है या जो ओपनिंग है आपकी प्रेजेंटेशन की वो बहुत कैप्टिवेटिंग होनी चाहिए एकदम से लोगों को पता चल जाए कि आप क्या बात करने जा रहे हैं और इंटरेस्टेड भी हो ताकि वो आगे या सुने या देखें या पढ़ें बॉडी ऑफ द प्रेजेंटेशन मेन पोर्शन होता है इसका आपकी पूरी प्रेजेंटेशन का सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए उसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं होनी चाहिए येट इनफ डिटेल्स के अगर आपकी बात सुनने के बाद अगर कोई पढ़ना भी चाहे तो वो उसको मफहूम जो है आपकी बात का उसको मिल जाए फिर आपको प्रेजेंटेशन क्लोज़ भी बड़े अच्छे तरीके से करना है यानी कि जो पूरी समरी है जो कंक्लूजन है वो सारा आपको अपनी प्रेजेंटेशन की क्लोजिंग में देना है आई होप दिस सेशन हैज़ बिन हेल्पफुल फॉर यू थैंक यू